राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने वार्षिक विजयादशमी संबोधन से पहले शुक्रवार को यहां अपने मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया। भागवत ने डॉक्टर केशव बलिराम हेड गेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर को भी पुष्पांजलि अर्पित की है। आरएसएस ने ट्वीट किया है कि सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने डॉक्टर हेड गेवार और गुरुजी गोलवलकर की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएसएस प्रमुख के लिए विजयादशमी के संबोधन को संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है और उनके संबोधन के दौरान भविष्य की योजनाओं और दृष्टि को सभी के पालन हेतु सामने रखा जाता है। वहीं राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर आरएसएस के रुख को भी जाना जाता है।